नमस्कार। सूर्यपुत्र नमस्तुभ्यं भास्करे वरदायिने अदो दृष्टो नमस्तुभ्यं श्याम वर्णं नमस्तुते। ओम शिव शनिश्चराय नमः। वृषभ राशि वालों का कुंभ राशि में सिंह शनिदेव का गोचर, शनिदेव को प्रार्थना प्रणाम करते हुए वृष राशि वालों को इस बार क्या मिलने वाला है ढाई साल, इसके बाद विचार करेंगे। आपके लिए वृष राशि वाले, आपका लग्नेश शनिदेव शुक्रदेव, शनि आपके लिए कारक और शुक्र और शनि का मित्रता है। स्वाभाविक बात है शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में जाएंगे, आपके लिए तो वारे न्यारे हैं, बढ़िया है। दशम स्थान कर्म का स्थान, मान सम्मान का स्थान, करियर का स्थान और कुछ कुंडली में पिता का भी स्थान। और दशम स्थान पे शनिदेव बैठ के दृष्टि लगाएंगे आपके माता स्थान को, आपके कर भूमि भवन वाहन सुख के स्थान को। ये सामान्य सूत्र है, जहाँ बैठते हैं अच्छा फल देते हैं, अच्छा फल देंगे। दशम स्थान पे बहुत सारे नया काम देंगे, कर्म क्षेत्र को बढ़ाएंगे, कर्म से लाभ देंगे, कर्म में तत्पर रखेंगे, नया नौकरी मिलेगा, नौकरी छुटा तो और एक मिल जाएगा। दशम स्थान पे शनिदेव कर्म के कारक, कर्म के घर में, तो इस हेतु आपके कर्मजनित समस्या दूर होंगे। आप के सबॉर्डिनेट्स, आपके कॉलिग्स, आपके बॉस सब आपके कर्म का तारीफ करेंगे। उत्तम कर्म होने के कारण आपको मान सम्मान का प्राप्ति होगा और राजनीति क्षेत्र में भी आपके लिए उत्तम होगा। तो दशम शनि आपके लिए बहुत अच्छा डेवलपमेंट, दशम में शनि होने से व्यक्ति बहुत टॉप में उठता है, बहुत विकास करता है। तो ढाई साल के अंदर तैयार रहिए, उस कर्म करेंगे तो नहीं करेंगे बोलेंगे उठा देगा ऊपर, कहाँ हवा से उठाएगा, नहीं उठाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उठाता भी है और गिराता भी है, जीरो करता है, तो ये सांप सीढ़ी का खेल हो सकता है। और वहाँ बैठ के आपके लिए एक बहुत ग्रेट फल देने वाले हैं दशम पे, तो इस बात का बेफिक्र रहिए। दशम स्थान से माँ का घर और भूमि भवन वाहन सुख स्थान को देख रहे हैं, तो शनि का दृष्टि जहाँ पड़ता है खतरा और जहाँ बैठते हैं उसके लिए उन्नति, तो उस दृष्टि हेतु इस क्षेत्र पे सावधान रहना। भूमि भवन वाहन में इन्वेस्ट करने के समय सोच समझ के करना, वाहन इत्यादि सावधान पूर्वक चलाना, नया जमीन के पीछे लिटिगेशन वगैरह समाधान भी करेंगे और देंगे भी, क्योंकि सिंह राशि के ऊपर दृष्टि जाना और सिंह राशि पिता का, उन सूर्यदेव का है, राजा का है, बहुत ज़्यादा समस्या तो नहीं होगा, लेकिन वहाँ दृष्टि जाना मतलब समस्या तो है। तृतीय दृष्टि में आपके द्वादश स्थान के ऊपर दृष्टि जाएगा, तो द्वादश स्थान विदेश स्थान, विदेश भ्रमण, विदेश जाना, हॉस्पिटल, जेल, पुलिस कचहरी, द्वादश स्थान लॉस हाउस को भी बताता है। द्वादश का बहुत सारा कारकत्व है, जो बेसिक बताया वो गिनती कर रहा हूँ, यहाँ बहुत सारा प्रवचन देने का आवश्यक नहीं। यहाँ पर दृष्टि जाके नेचुरली शनि का दृष्टि इनको विनाश भी करेगा, लेकिन विनाश कब करेगा, होगा तो, नहीं होगा तो बढ़ाएगा, तो ये दोनों प्रकार का। लेकिन इस समय आप सोच समझ के खर्चा करें, अपना स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें, और सबसे समस्यापूर्ण बात यह है कि द्वादश में राहुदेव भी रहेंगे, और राहुदेव जब द्वादश में रहते हैं तो अच्छा तो नहीं कहा जाता है, लेकिन राहुदेव तो हैं, लेकिन एक तो शत्रुघ्न ही हैं, ऊपर से शनि का दृष्टि में है, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो शनि का दृष्टि वहाँ जा रहा है, इसलिए उस बात कह रहा हूँ, नहीं तो राहु केतु गोचर शनि के गोचर का कोई आवश्यक नहीं था। इसलिए थोड़ा सा आपको सावधानी रहना है, व्यय के क्षेत्र में सावधानी रहेंगे, देंगे तो ना व्यय कराएंगे, तो आएगा जरूर, तो उसमें ज़्यादा आप ओवर टेम्परामेंट पे ना जाएं, ओवर कॉन्फिडेंस पे ना जाएं, और इस समय लीगल इलीगल मैटर बढ़ सकता है, इसलिए सोच समझ के झुक के चलिए। दशम में शनि है तो दशम का ही न्याय करेंगे, दशम का ही फल देंगे। कर्म क्षेत्र करियर का, तो आप उस समय अपने
स्थिति को बहुत ध्यानपूर्वक रखें। शनि का जहाँ दृष्टि जा रहा है उसको थोड़ा सावधानी होना अत्यंत आवश्यक है। वृष राशि से वृश्चिक सप्तम स्थान स्पाउस का घर पे दृष्टि जा रहा है तो स्पाउस यानी पति पत्नी दाम्पत्य जीवन और जो आपके साथ मिश्रित होके व्यवसाय इत्यादि करते हैं, सबोर्डिनेट्स हैं आपके, इस प्रकार के जो आपके साथ मिल के काम करने वाले जो व्यक्ति विशेष हैं, दोस्त हैं या सप्तम स्थान दूर यात्रा स्थान है, इन सब का भी बढ़ोतरी होगा, स्वाभाविक बात है। लेकिन बढ़ोतरी तो जरूर होगा, लेकिन दृष्टि शनि का है इसलिए इन सब से लाभ भी देंगे और आपको इस क्षेत्र पे थोड़ा बच के भी चलना है, क्योंकि सप्तम स्थान तो ये खिटपिट तो थोड़ा रहेगा ही। इसलिए वृष राशि वालों का अगर स्वास्थ्य का बात किया जाए तो केवल द्वादश में दृष्टि जाने के कारण वहाँ खर्चा बढ़ सकता है हॉस्पिटल इत्यादि का, तो हेल्थ के प्रति ध्यान देंगे। शिक्षा आपके लिए पंचम स्थान, तो शनिदेव दशम पे जाके शिक्षा और कर्म को भी जरूर बढ़ाते हैं, क्योंकि दशम का फल बहुत अच्छा फल रहता है। स्वास्थ्य के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए बता दिया। तो वृष के लिए शनि का दशम स्थान का तो अच्छा ला रहे हैं, लेकिन दृष्टि जो ये तीन आ रहा है इसमें आप लोगों को सावधानी होना जरूरी है। और क्योंकि व्यय ज़्यादा दिखा रहा है, लॉस ज़्यादा, घर पावरफुल हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें। धन संचय दशम स्थान जरूर कराते हैं धन का संचय, और आपका भाई बहन पराक्रम वो तो गुरु बृहस्पति संभालेंगे, वहाँ दृष्टि जा रहा है तृतीय स्थान पर, तो शनिदेव आपके लिए बहुत अच्छा स्थिति लेके आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। कुंडली विश्लेषण इत्यादि हाँ ये जरूर करा लीजिए, क्योंकि इस 9 के 9 ग्रह भी परिवर्तन हो रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। कुंडली विश्लेषण करके अपने दशा अंतरदशा को समझें। शनिदेव दशम में अच्छा तो देंगे, लेकिन आपका दशा सपोर्ट करना चाहिए। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। हमारे आध्यात्म गुरुकुल में अभी नया छात्रों का एडमिशन लिया जा रहा है। आध्यात्म क्षेत्र में वेद वेदांत कर्मकांड पूजा पाठ ज्योतिष वास्तु समुद्र विज्ञान कपाल रेखा विज्ञान इत्यादि का साधना अध्ययन हेतु एडमिशन कर सकते हैं। इस क्षेत्र में आप अगर करियर बनाना चाहते हैं तो नमस्कार।